प्यारी सी परी चावी। मेरी वीडियो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन की घंटी तो बजा ही रहोगे दोस्ती जो है। और देखिए कितना कितना गंदा पानी है ना, देखिए इस चावल में बहुत गंदगी है। देखिए मम्मा साफ कर रही है इसे और हमें इसमें मम्मा की हेल्प करनी है और मैं चार भी वीडियो बना रही हूँ। और ऐसा है कि ये गेहूँ है, गेहूँ। और हम अपनी नाना जी के घर में बना रहे हैं वीडियो। और ऐसा है कि यहाँ पर हम बहुत अच्छे से बनाएंगे वीडियो। और लेकिन मम्मा ने नल का साफ साफ पानी चालू करा और पानी को हाथ में लिया और देखिए अब छन्नी ली और अभी छन्नी रख दी और छन्नी में पानी डाला और उसे ऐसे मिलाया, फिर अच्छे से मिलाया, ऊपर से ऐसे ऐसे मिलाया अच्छे से। उनके हाथ भी गंदे हुए लेकिन फिर भी उनने वीडियो ख़त्म नहीं करी। और देखो उनने अब नल बंद करा और फिर ऐसा करा कि अपने हाथ साफ करे, फिर पानी फेंका गंदा सा, फिर ऐसा हुआ पानी अभी मम्मा फेंक रही है, पानी फेंक दिया, फिर से पानी डाला, फिर से पानी डाला अब और यहाँ पर हम चावल डाल रहे हैं, नहीं गेहूँ डाल रहे हैं। और यहाँ पर गेहूँ धुल गए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे से रख रही है मम्मा। और यहाँ पर नल बंद कर दिया, चावल को फिर से भिगाया और गेहूँ अब तैयार थोड़े में हो जाएंगे। गेहूँ और थोड़े गेहूँ तो छन्नी वाली छन्नी से चादर में रख दिए, थोड़ी गेहूँ। और यहाँ पर देखो यहाँ पर ऐसी हर साल चावल धोते हैं, गेहूँ धोते हैं और ऐसा है यहाँ पर ऐसे ही बहुत अच्छे से धोते हैं। और मैं भी देखती हूँ, तब अपनी मम्मा के साथ मैं भी जाती हूँ। और अभी मम्मा यहाँ पर छन्नी में डाल रही है गेहूँ और यहाँ पर देखो सब कुछ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने वीडियो और देखिए हम इस पानी को फिर से फेंक रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर जाता है, ये पानी अगर फेंकते हैं तब कहाँ पर जाता है, ये पानी सीधे एक नली में जाता है, ये पानी सीधे एक नली में जाता है और फिर वहाँ पर से कहाँ जाता है मुझे नहीं पता, दीवार में ही जाता होगा। और देखिए ये पानी कहाँ जा रहा है, गटर में जाता है, गटर से कहाँ जाता है मुझे नहीं पता, दीवार में ही जाता होगा। और देखिए हम अब फिर से चावल डाल रहे हैं, गेहूं डाल रहे हैं और इसके अंदर से चावल निकलेंगे। और थोड़ी देर में मैं आपको चावल नहीं निकलते, गेहूं में से आटा निकलता है। हाँ देखो
इसमें से आटा निकलेगा जब इसे मशीन में पीसेंगे। और यहाँ पर मेरे नाना जी के घर में कबूतर भी है, मैं थोड़ी देर में आपको कबूतर भी दिखाऊंगी। हाँ। तब तक हम आपको खेत दिखा देते हैं, ठीक है? ये देखो, वो है नाना जी का पूरा अच्छा सा खेत, पूरा अच्छा सा खेत। और यहाँ पर ऐसा है कि इसमें नाना जी ने उगा रखा है लहसुन, धनिया और प्याज और के बारे में बोलेगी। यहाँ ये दिखना चाहिए, वो चीज समझ में आया? और देखो ऑन कर ले, ऑन तो करा हुआ है। और देखिए ये नाना जी के जानवर हैं, ये गाय, ये दोनों गाय हैं उनकी। और इन दोनों गाय का नाम है, बड़ी वाली गाय का नाम है चमेली, हाँ राधा, और छोटी वाली गाय का नाम है चुलबुली। और एक गाय तो बेचती, चमेली था उसका नाम। और देखिए यहाँ पर मेरे नाना जी ने बहुत सारी चीज़ें उगा रखी हैं। और देखिए ये है नाना जी के गायों का गोठ, और ये है उनका पेड़, नाना जी का पेड़। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊंगी कबूतर, और अब मैं आपको दिखाऊंगी उनका गार्डन। और देखिए यहाँ पर ये कितना अच्छा फूल है यहाँ पर। और यहाँ पर एक स्ट्रॉबेरी का पेड़ भी लगा रखा है जो कि मुझे बहुत पसंद है स्ट्रॉबेरी। और यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे घर हैं। और यहाँ पर देखो यहाँ